गुड मॉर्निंग बॉयज, डिस्टेंस लर्निंग में आपका हार्दिक स्वागत है। मैंने जो टीम्स में पढ़ाया ना एक क्वेश्चन, इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है मैं अभी यूट्यूब पे ये फिर रख रहा हूँ, थोड़ा देख लेना। सेकंड उदाहरण, एक बिजली के मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचाई वाले स्तंभ पर आगे करतीब की मरम्मत करनी है। मरम्मत के लिए वह 1.5 मीटर नीचे के बिंदु पर पहुंचता है। आकृति देखिए, यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए कि जिसे क्षितिज से 60 अंश के कोण से झुकने पर वह अपेक्षित स्थिति पर पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंभे का पद बिंदु कितनी ऊंचाई पर सीढ़ी के पद बिंदु से होना चाहिए। यह वर्गमूल 1.73 लेना है। सेकंड क्वेश्चन, मानो कोई इलेक्ट्रिशियन जो है ऊपर से 1.5 मीटर नीचे उतरकर यहां पर कोई भी दुर्घटना हुई है उसको रिपेयर कर रहा है। अब ये जो कोण है वह 60 का दिया हुआ है, 60 का। एक इलेक्ट्रिशियन 5 मीटर ऊंचाई के थंबले पर फॉल्ट का समारोह काम करता है, उसके लिए 1.3 मीटर नीचे तक वह आता है, तो खंभे की जो ऊंचाई है वह कितनी है? 1.5। ये जो स्तंभ है वह कितना ऊंचा है? 1.5 मीटर स्तंभ पर। अभी ये यहां तक उतरता है यानी ये होगा 1.5 मीटर। स्तंभ की ऊंचाई कितनी दी हुई है? 5 मीटर। एक पॉइंट तीन मीटर नीचे उतरता है, थोड़ा करेक्शन करना, 1.3 मीटर स्तंभ है, 5 मीटर। अच्छा, हमें सीढ़ी की लंबाई मान ली, यह है सीढ़ी, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, पहला क्वेश्चन। और दिया गया वर्गमूल 1.73। वर्गमूल लेकर और हमें यह ज्ञात करनी है। सबसे पहले पूरे स्तंभ की लंबाई कितनी है? ए बी है 5 मीटर, तो बी डी बराबर 5 माइनस 1.3